हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा शर्मा। वेलकम टू लेट्स टू। और आज हम करने वाले हैं विद एंड बाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब मैं वीडियोस कंटिन्यू बनाया करूँगी और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एंड बाय। तो विद का यूज़ हमें कब करना है और बाय का यूज़ हमें कब करना है। बींग फर्स्ट आई यूज़ विद का, बींग टुगेदर यानी कि के साथ। बींग टुगेदर का मतलब होता है के साथ। जब हमें किसी चीज़ को किसी के साथ दिखाना होगा, ठीक है, तो वहाँ किसका यूज़ करेंगे, विद का यूज़। ओके, जैसे कि रवि लिव्स विद राहुल, रवि राहुल के साथ रहता है। तो यहाँ राहुल के क्या ही है, साथ रह रहा है। तो साथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट करते हैं टूल्स और इंस्ट्रूमेंट। टूल्स हथियार हो आपके कोई भी, ठीक है, टूल्स या इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, उनके साथ आपको विद का यूज़ करना है हमेशा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई किल्ड अ स्नेक विद स्टिक। मैंने एक स्नेक को मारा किससे, स्टिक से। तो वो आपका क्या है, टूल। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, किसका यूज़ होगा, विद का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाय। बाय का यूज़ टाइम के सेंस में, ठीक है, किसके में, तक के सेंस में। जैसे ही विल रीच बाय मार्च, वह मार्च तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बाय का क्या मतलब है, तक, वह मार्च तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका बिसाइड या नियर यानी कि पास। पास के सेंस में आप किसका यूज़ करोगे, बाय का यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज वर्किंग बाय मी, वह मेरे साथ क्या कर रहा था, काम, मेरे पास काम कर रहा था। साथ नहीं, साथ का जब मीनिंग आएगा तो विद का यूज़ करना है, और पास का जब मीनिंग आएगा तब बाय का यूज़ करना है। तो ही वॉज वर्किंग बाय मी, वह मेरे पास काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या मतलब है, पास। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन में भी क्या होता है, बाय का यूज़ होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन, आप किससे पत्र भेज रहे हो, ठीक है, तो ईमेल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, उससे पहले भी बाय का यूज़ करना होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट था बींग टुगेदर यानी कि के साथ, के साथ आपको विद का यूज़ करना है। टूल्स हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उनके साथ आपको विद का यूज़ करना है। बाय का है टाइम, टाइम यानी कि तक के सेंस में आप किसका यूज़ करोगे, बाय का यूज़ करोगे। बिसाइड नियर यानी कि पास के लिए आप किसका यूज़ करोगे, बाय का यूज़ करोगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब वीडियोस आपकी रेगुलर आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।